हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आर्क सर्वाइवल एवोल्यूशन के एक और नए एपिसोड में। और आज की इस वाली वीडियो में हम जो है दोबारा से डंजन कंप्लीट करने के लिए जाने वाले हैं। और हमारे यार आर्क मोबाइल में न्यू डंजन आ चुका है। देखो यार, इसकी लूट मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक जनरेटर है ये, हमारा टेक का स्लीपिंग बैग है ये, लॉन्ग नेक का एक आपको ब्लू प्रिंट मिल जाएगा असेंडेंट वाला। और ये टेक के जो है आपके हैंड ग्लव्स हैं। तो ये सब जो है आप इस डंजन को कंप्लीट करने के बाद ले सकते हो। और इस डंजन का मैप जो है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में अपलोड कर दूंगा। तो चलो यार, इस डंजन को करते हैं फटाफट से कंप्लीट। और इस डंजन को कंप्लीट करना यार इजी है। आप जो है इजीली से जो है 2 या 3 रूम कंप्लीट करने के बाद में जो है बॉस टेलीपोर्टर के पास में जा सकते हो। और यहाँ से हमें भाई किस साइड जाना है, यहाँ से हमें आगे जाना है। इस साइड नहीं यार, इस साइड नहीं जाना है, हमें जाना है उस साइड में भाई। ओके, सामने जाना है हमें यहाँ से। ये भाई हमारा स्पोनिंग रूम भी ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें भागने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है यार। आधा स्टेमिना तो भाई यहीं पे ही ख़त्म हो गया मेरा। और यहाँ से हमें जाना है सीधे। सीधे जाने के बाद में हमारा फर्स्ट रूम जो है आ जाएगा। यहाँ पर ही हमें जो है हमारी फीचर्ड लूट भी मिल जाएगी और फैसिलिटी की भी मिल जाएगी। और ये रूम होने वाला है हमारा डिलोफोसोरेसिस का, तो इनको जो है हम किल करना पड़ेगा। और ये जो है वेव्स में आएंगे, तो ये देखो पहली वेव में आ चुके हैं। इनकी HP जो है थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट डैमेज जो है कम ही रहेगा। तो आप जो है इन्हें इजीली किल कर सकते हो अगर आपके पास भी मेरे जैसी एक अच्छी सी कंपाउंड वो है। तो मैं जो है यार फटाफट से इन्हें किल करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे जो है मिलता हूँ। ओके गाइस, तो रूम जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट है, तो इसे भी जो है फटाफट से किल कर देते हैं। और ये किल हो चुका है और अब हमें जाना है भाई यहाँ से। ओके, इस साइड नहीं जाना है, हमें जाना है इस साइड। और यहाँ से हम जो है हमारी फीचर्ड लूट ले लेते हैं जो भी हमें मिलेगी। हमें यार इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी हमारे पास लगभग सब है। तो देखते हैं यार हमें क्या मिलता है। ओके, टेक का हमें जो है स्लीपिंग बैग मिला है, तो ये सही है। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर जो है हमें हमारी फैसिलिटी की भी मिल जाएगी। यहाँ से हमें जाना है इस साइड में। और जो हमारा फर्स्ट रूम है सामने में, वही हमारा फैसिलिटी की रूम भी है, तो इसी में जो है हमें फैसिलिटी की भी मिल जाएगी। और यहाँ पर से हम ले लेते हैं फटाफट से फैसिलिटी की को। ओके, देखो यहाँ से हमें जो है फैसिलिटी की मिल चुकी है। और अब जो है चलते हैं फटाफट से यहाँ से वापस से हमारे स्पॉनिंग रूम की तरफ। और वहाँ से यार हमें जो है एक और साइड में जाना पड़ेगा, मतलब हम जो है एरियल सिम्बियोट यार भूल चुके हैं। और यहाँ पर जो है एक स्वैम्प जंप भी है, तो उसकी वजह से भाई यार मैं जो है उसे कंप्लीट नहीं करूँगा, मतलब स्वैम्प जंप को। और उससे पहले जो है हमें एक और रूम कंप्लीट करना पड़ेगा बॉस रूम की तरफ जाने को। अगर आप यार एरियल सिम्बियोट वगैरह लेकर के आते हो तो आप जो है उसे कंप्लीट कर सकते हो आप स्वैम्प जंप को। मेरे से यार इजीली होती नहीं है वो, तो मैं जो है उसे कंप्लीट नहीं करता जल्दी से जब तक यार मेरे पास एरियल सिम्बियोट ना हो। तो मैं जो है यार ये वाला रूम कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद में जो है इसी रूम से हम डायरेक्टली उधर भी जा सकते हैं, हमारे बॉस टेलीपोर्टर रूम की तरफ। और ये वाला रूम है हमारा ग्रोइंग ट्राइक्सेराटॉप्स का, तो ये तो यार हम इजीली कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे ग्रोइंग ट्राइक्सेराटॉप्स वाला रूम है, तो ये देखो ये गया हमारा फर्स्ट ट्राइक। और यहाँ से आएगा एक और ट्राइक आना चाहिए, आ जा भाई आ जा। ओके, ये देखो ये रहा, इसे करते हैं फटाफट से किल। भाई 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 भाई, स्टन मत करना, इसे डैमेज क्यों नहीं लग रहा यार। ओके हाँ यार, ट्राइक के हेड पे जो है डैमेज अच्छे से नहीं लगता है, आप इसके जो है पैरों पे मार सकते हो तो इसे जो है डैमेज लगेगा। बट देखो यार मैंने इतनी सारी जो है गोलियां मारी इसे हमारी असेंडेंट पम्प शॉटगन से, बट इसे जो है डैमेज जो है थोड़ा सा ही पड़ा है। और ये देखो एक और आ चुका है और ये मारेगा भाई, मारा, स्टन कर दिया इस बार शायद से। हाँ ये देखो इस बार इसने स्टन कर दिया था। और लास्ट एक बचा हुआ है और उसके बाद में ये वाला रूम भी जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसको करते हैं फटाफट से कंप्लीट और चलते हैं यार हमारे बॉस टेलीपोर्टर रूम की तरफ। और भाई इसकी एचपी बहुत ज़्यादा है। ओके भाई इसने फिर से हमें स्टन कर दिया और ये इजीली यार ये किल नहीं हो रहा, पता नहीं भाई इसे डैमेज ही नहीं लग रहा अब तो पहले यार मेरे को इसको पीछे जाने दो और पीछे से इसे जो है थोड़ा सा डैमेज देंगे हम। ये देखो अब जो है थोड़ा सा इसे डैमेज लगा है। इसके आप हेड पे जो है मारोगे तो इसे डैमेज लगेगा ही नहीं यार, लगभग थोड़ा सा ही लगता है। आप चाहे कितना भी ज़ोर से मार लो, कितनी भी आपकी असेंडेंट वाली हो, इन्हें जो है यार थोड़ा सा ही डैमेज लगेगा, उसके बाद में जो है इन्हें डैमेज नहीं लगेगा। और ये वाला रूम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जाना है हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ हमें, तो यहाँ से नहीं हमें उधर से ही जाना था जिधर हमने हमारे ट्राइक को किल किया है, यहीं से ही है। ओके यहाँ से हमें जाना है इस साइड में। ओके ये एक फालतू सा ट्रैप है और सामने में एक वॉल ट्रैप भी है, तो इजीली यार हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके यहाँ से इसे वापस जाने देते हैं और चलते हैं आगे। ये एक तो ना स्लोली स्लोली चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। और ये देखो यहाँ पर एक वॉल ट्रैप है जो कि देखो ये चला। ओके ये एक और बार, अब ये स्लो चलेगा तो फटाफट से यहाँ से निकल जाते हैं। ओके हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ में और यहाँ से हम जो है डायरेक्टली हमारे बॉस टेलीपोर्टर के पास में पहुँच जाएंगे। ओके भाई साहब ये तो शार्को और कैप्रोस का रूम है, तो इन्हें फटाफट से करते हैं यार किल। और ये देखो भाई यार ये शार्कोस भाई साहब इनका। ओके इसने डैमेज तो दिया यार हमें थोड़ा सा। ओके चलो 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 ये किल हो चुका है और रूम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा लास्ट रूम था और यहीं पर ही हमें जो है बॉस टेलीपोर्टर भी मिल जाएगा। तो अबे यार ये फिर से एक और ट्रैप आ गया, तो इसे भी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में हमें हमारा बॉस टेलीपोर्टर भी जो है मिल जाएगा। यहाँ पर यह हमारा फैसिलिटी डोर है और ये रहा भाई हमारा बॉस टेलीपोर्टर। तो यार इसे करते हैं फटाफट से कंप्लीट। और उससे पहले यार मैं यहाँ से जो है गेम सेव करके आ जाता हूँ, क्योंकि भाई ये हमारा डीओडी क्रश वाला जो है बॉस है, तो इसमें जो है जल्दी से हम इसे डिफीट नहीं कर सकते और कभी कभार यार मर भी सकते हैं, तो उसके लिए जो है मैं इसे सेव करके आ जाता हूँ। ओके गाइस तो मैं जो है गेम सेव करके आ चुका हूँ और अब जो है यार हमारा वीकली डंजन वाला मिशन करते हैं स्टार्ट। अब चलते हैं यार बॉस को डिफीट करने के लिए जो कि हमारा वो बड़ा वाला डीओडी क्रश होने वाला है। ओके वो देखो वो रहा सामने में ही हमारा वो बड़ा वाला डीओडी क्रश बैठा हुआ है, तो यार इसे हम हमारी टेक राइफल से मारते हैं। ओके इसे डैमेज ही नहीं लग रहा यार। ओके यहाँ से मारते हैं इसको, यार डैमेज नहीं लग रहा भाई इसको, हमारी टेक की राइफल से कोई भी डैमेज नहीं लग रहा, तो हम इसे ऐसे ही मारते हैं। ओके ये अटक चुका है भाई, ये अटका नहीं, ये भाई सारे सामान तोड़ दे तू भाई, आसपास के सारे सामान तोड़ दे, कुछ मत छोड़ भाई। ओके तो इसे यार मुझे थोड़ा सा किल करने में भाई साहब डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये इधर से उधर भाई रोल करता ही रहता है, जब भी देखो भाई ये रोल करता रहता है। और ये देखो ये आ गया, ये आ गया भाई, मारेगा मारेगा, ये देखो मारा। आपको यार इससे थोड़ा बहुत जो है बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ये ऐसे अटैक करते हैं भाई कि आप जो है एक ही अटैक में पूरे किल हो जाते हो। और बातों ही बातों में भाई इसकी 34K की एचपी हो चुकी है, मतलब लगभग आधी एचपी जो है जा चुकी है। और इसे जो है फटाफट से और थोड़ा सा किल करते हैं। अबे यार ये एक तो बहुत ज़्यादा रोल करता है ना, और ये जितना ज़्यादा रोल करेगा यार आपके लिए उतनी ही ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि यार ये रोल करके इधर उधर बस भागता ही रहता है, आप पे भी मारेगा बट ये जो है इधर उधर भाग जाता है। ये देखो और इसे जो है यार इसकी देखो अब 22 की हो चुकी है, 20K की एचपी और 15K 13K, और लास्ट यार दो चार से हिट और मारने हैं और उसके बाद में जो है ये किल हो जाएगा, लगभग पूरा ही किल हो जाएगा। और ये देखो इसकी 8K की एचपी आ चुकी है, 4K और दो हिट और मारने हैं। और ये देखो गया हमारा जाइंट डीओडी क्रश,
इसे जो भी बोल लो यार, ये हमारा DoD क्रश वाला बॉस। तो ये वाला डंजन भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं यार फटाफट से बेस पर। ओके यहाँ से चलते हैं बेस पर। लोड होने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ओके तो हम वापस से बेस पर आ चुके हैं, तो मैं आपको जो है लूट दिखा देता हूँ। और लूट में यार कुछ अच्छा तो मिला नहीं, और हमारे बूट्स भी जो है टूट चुके हैं, और ये हमारे थोड़े से ईडी एलिमेंट्स हैं, और एक ये हमारा स्लीपिंग बैग पॉट है, जो भी है पॉड है, तो ये मिला है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।